जन्माष्ट में त्यौहार के मौके पर जी मीडिया चंडीगढ़ के स्कॉन टेंपल भी पहुंचे और साढ़े सहयोगी कुलबीर दीवान की देखो खास रिपोर्ट। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, जी हाँ, लेकिन कोरोना काल में हो रही जन्माष्टमी में चंद लाइनें इस जुमले में और जुड़ जाती हैं कि जय कन्हैया लाल की और हिदायतें कोरोना काल की। जी हाँ, कुछ इसी तरह से मंदिरों में तैयारियां की गई हैं। इस वक्त हम चंडीगढ़ के इस्कॉन मंदिर में हैं, जहां पर हर जन्माष्टमी को करीब 1,00,000 लोग आया करते थे, लेकिन इस बार कोई भी इस मंदिर में नहीं आ पाएगा क्योंकि मंदिर को खोला नहीं गया है कोरोना की हिदायतों के अनुसार। हालांकि मंदिर में कार्यक्रम जन्माष्टमी को लेकर हो रहा है और सुबह 4:30 बजे से पूजा शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मंदिर को सजाया भी पहले की तरह गया है और रात को ये लाइटिंग जो है आकर्षण का केंद्र होगी, जिस तरह से हर बार मंदिर परिसर रंग बिरंगी लाइटों से, रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता है। ऑनलाइन जो पूजा हो रही है, केवल उसमें ऑनलाइन ही दर्शन जो है लोग कर पाएंगे भगवान कृष्ण के। क्या व्यवस्था है ये जान लेते हैं। सर, ये बताइए कि व्यवस्था इस बार क्या क्या की गई है, क्योंकि कोरोना काल है, मंदिर बंद है, लेकिन अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई है। हरे कृष्ण। पहले तो आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी का शुभकामनाएं। इस बार जो व्यवस्था है, ज्यादातर सब ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है। जो हमारे पूरा व्यवस्था क्या है कि ऑनलाइन कैसे लोगों को दर्शन अच्छे से हो सके, और आप सबसे अनुरोध है आप घर में सुरक्षित रहिए और भगवान का कृपा प्राप्त कर रहे हैं ऑनलाइन दर्शन करके। भगवान का अगर ऑनलाइन भी हम दर्शन कर रहे हैं तो उतना ही कृपा मिलेगा हम अगर पर्सनली आके यहीं पर दर्शन करते हैं। शास्त्र में तो बहुत सारे उदाहरण आता है, भगवान भावग्राही है, तो अगर घर में भी भावना भगवान हमारी भावना को ग्रहण करते हैं, तो अगर हम भावना से ही घर से ही रह कर भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को आरती करते हैं, भगवान को भोग ऑफरिंग करते हैं, भगवान इसको स्वीकार करेंगे। लोगों को या भक्तों को निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था मंदिर में की गई है। और जिस तरह से कोरोना काल में मानसिक भक्ति यानी मन को मंदिर बनाइए और भगवान के प्रति अपनी आस्था जगाइए, वही सच्ची भक्ति है, वो कहीं ना कहीं उस पर जोर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर जो है उसको आकर्षक ढंग से सजाया गया है। कोरोना काल को देखते हुए जो लोग यहाँ पर मंदिर में होंगे, केवल उनको ही यहाँ पर इजाजत होगी जो मंदिर की व्यवस्था संभालते हैं। बाहरी लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जो लोग होंगे उनको भी COVID-19 की हिदायतों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और मुंह पे मास्क के अलावा सैनिटाइजर जो है वो हाथों पर प्रयोग करना पड़ेगा। कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इस्कॉन मंदिर के अंदर की हैं, आप यहां देख सकते हैं जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुके हैं। सुबह 4:30 बजे से ही मंदिर को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इस वक्त कथा चल रही है। मंदिर के जो अपने लोग हैं जो यहां पर व्यवस्था संभालते हैं, केवल वही यहां पर आपको नजर आएंगे, लेकिन वो भी तमाम हिदायतों का पालन करते हुए नजर आएंगे। मुंह पे मास्क लगाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कथा इस वक्त आप सुन सकते हैं कि कथा जो है वो कही जा रही है और इसका ऑनलाइन जो प्रसारण है वो YouTube से किया जा रहा है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि हाई डेफिनेशन कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि इस मंदिर में जो कार्यक्रम हो रहा है उसका लाइव एक आनंद जो है वो लोग ले सके, क्योंकि इस्कॉन मंदिर चंडीगढ़ में हर जन्माष्टमी पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल है, लिहाजा आम लोगों का यहां पर आना मना है। इस वक्त आप भगवान कृष्ण के दर्शन जो है वो कर रहे हैं, भगवान के दर्शन आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम के, और हमारे माध्यम से भी आप ये दर्शन जो है वो भगवान के कर रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था जो है वो पूरे कार्यक्रम की है, क्योंकि जिस तरह से हर साल कार्यक्रम सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक चलते थे, वो कार्यक्रम इस बार भी होंगे, लेकिन लोगों को ये कार्यक्रम देखने के लिए सिर्फ ऑनलाइन का सहारा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल की वजह से आम लोगों का मंदिर में आना मना है। लेकिन मंदिर के जो प्रबंधन है, जो व्यवस्था संभाल रहे लोग हैं, वो इस बात पर जोर दे रहे हैं
कि मन को मंदिर बनाइए, मन में भाव जगाइए और जो भक्ति है उसका फल पाइए, क्योंकि मन की भक्ति यानी मन को मंदिर बनाना ही वास्तव में सच्ची भक्ति है। कैमरामैन राजू प्रसाद के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।